कि ये नाम फ़लाने शख़्स पर भारी पड़ रहा है बल्कि मैं आपको किसी और की बात क्या बताऊं? हमारे यहाँ जो मेरा बड़ा बेटा है उसका नाम नवाफ है एन ए डब्ल्यू एफ़ लोग अक्सर उसको नवाब कहते हैं हालांकि नवाब नहीं है उसका नाम एन ए डब्ल्यू एफ़ है इस नाम को बहुत से लोगों ने कहा कि ये नाम भारी है और आपके बच्चे पर उसकी तबीयत बचपन में ख़राब रहा करती थी उसको एक बीमारी हुई बुखार बहुत तेज़ होता था और कई सालों वो बुखार चला लेकिन अल्लाह ताला ने नेहमदल बहुत सेहतियाब है बल्कि मुझसे भी ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है उसको अल्लाह ताला सेहत और आफ़ियत से नवाजा है अल्लाह ताला उसकी शादी भी करा दे और उसको इन शौकरी भी मिल जाए और जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नौकरी है जहाँ उसने इंटरव्यू दिया हुआ है अल्लाह आलमीन उसको उसके हुसूल में आसानी फरमा दे तो मुझे भी ये कहा गया कि आपके बेटे का नाम भारी पड़ता है इस पर मैंने ये पूछा कि भारी क्यों पड़ता है और ये कैसे पता चला आपको कि इनाम नाम भारी है इस्लाम के अंदर भारी और हल्का नहीं है इस्लाम के अंदर सही और ग़लत है सही वो है जिसके नाम के माने अच्छे हैं और ग़लत वो है जिसके नाम के मान ग़लत हैं के रसूल अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आता है उसका नाम हर्ब था अल्लाह के रसूल वसल्लम ने उस उसके नाम भी ये क्या नाम है जंग गुर्जदाल नहीं इस्लाम तो सरापा रहमत है उसका नाम तब्दील कर दिया तो अमन और सलामती वाले नाम अच्छे नाम रखने ये कोई भी माना अच्छा हो तो वो आप अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं और इन जो किस्मतें हैं वो तो किस्मत नाम लिखने से पहले जब माँ के पेट में बच्चे होते हैं ना तब अल्लाह रब्लम उनके किस्मतों के फ़ैसले फरमा देता है और हमारी किस्मत के फ़ैसले थी तो दुनिया बनने से पहले हो चुके हैं तो ये समझना कि ये नाम इसके ऊपर भारी है ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं है नाम हल्का भारी नहीं होता बल्कि नाम आसान नाम रखने चाहिए और वो नाम रखने चाहिए जिन नामों के मानी अच्छे हों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हजरत सहल थे जब सहल रफ़ील्ला तुम को देखा करते तो आप तो ये फरमाया करते थे अब देखिए ये सहल आ गए हैं हर काम में आसानी हो जाएगी इस तरह से जो अच्छे नाम हैं उन नामों का आ, आ, तमाम कीजिए बच्चों के लिए बच्चों को अच्छे नाम दीजिए लेकिन वो नाम किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम परवेज़ है क्या परवेज़ नाम में रख सकता हूँ क्योंकि गुलाम अहमद कादियानी या परवेज़ उसका नाम था अरे मेरे भाई परवेज़ का नान माना और मफहूम अगर मुनासिब नहीं है तब आप अपना नाम चेंज कर दीजिए लेकिन परवेज़ का माना अगर दुरुस्त है और सही है तो उसमें भी कोई कबाहत नहीं है तो परवेज़ के नाम में कोई कबाहत नहीं है तो कोई भी नाम हो बेसिकली आप अपने नाम को अगर खूबसूरत नाम है तो वो नाम रख सकते हैं और वह सारे के सारे इन शी हल्के नाम है और वो तारुफ के लिए है ये ये तारुफ के लिए हैं जब मैं आपको पुकारूं या आप मुझे पुकारें आकिल साहब तो मेरे वालदे ने मेरा नाम रखा है आकिल साहब औरतें भी खासतौर पर इस क्योंकि हमारे यहां जब औरतों से नाम पूछे जाए ना तो वो बताते हुए बड़ी शर्माती हैं वो कहती हैं कि नहीं हम बताएंगे नाम अरे भाई तुम्हारा नाम अल्लाह ताला ने या अल्लाह के बंदों ने तुम्हारे वालदे ने इसीलिए रखा है ना कि तुम बनाओ तुम बताओ ताकि तुम्हारा तारुफ हो सके और तारुफ भी हम बारी औरतें ये करवाती हैं कि मैं मिसि मिसिस खान हूँ या मिसिस पठान हूँ या मिसि फ़लानी हूँ तो ये भी तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है आपने कभी नहीं सुना होगा कि मायशा तआला तक को किसी ने मिसज़ मोहम्मद कहा हो या मिसेस अली के नाम से हजरत फातमा को मुंतख उनके तो नाम हम लेते हैं लेकिन अपनी औरतों को नाम पता नहीं क्यों ये बहरहाली एक ऐसे ही जहन में आया तो मैंने खुलासे कलाम यह हुआ कि नाम भारी और हल्के नहीं होते बल्कि नाम अच्छे और बुरे होते हैं अच्छे वो जिनके नाम के मानी अच्छे हैं और अच्छे नामों में से अब्दुल्लह है अब्दुल रहमान है अब्दुल खालिक है ये सारे के सारे नाम बहुत अच्छे हैं मोहम्मद है अली है अबू बकर उमर और उस्मान और अली हैं और सहाबा के नाम हैं मायशा का नाम है खदीजा का नाम है तो ये सारे के नाम प्यारे 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 नाम हैं अगर आप नए नाम रखना चाहते हैं तो नए नाम भी रखें लेकिन उनके मानी दुरुस्त होने चाहिए ऐसे ना हो कि जनाब बाहर मेरे चैनल पर एक वीडियो में मौजूद है ताहा और यासीन के बारे में लोगों ने पूछा था कि क्या नाम रखना चाहिए नहीं तो यहाँ आप देख सकते हैं वसलम वरमि वबरकत हूँ